चलिए दोस्तों बात करते हैं टेस्ट में बेस्ट कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ। अब टी20 क्रिकेट में भी अपना जलवा बिखेर रहे। बिग बैश लीग में लगातार 2 शतक जड़ने के बाद भी स्मिथ की तूफानी बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रहा। बट हरिकेन्स के खिलाफ जारी मुकाबले में स्मिथ ने आक्रामक अंदाज में 22 गेंद पर तूफानी अर्धशतक जड़ा। मैच के दौरान जब स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक लीगल गेंद पर 16 रन भी बने जिसने खूब सुर्खियां बटोरे। तो कैसे बने जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिकेट संगम पर। अगर आप चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एक गेंद पर 16 रन बनाने की घटना पारी के दूसरे ओवर की है। जोएल पेरिस नाम की गेंदबाज ने अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद नोबॉल डाली जिस पर स्मिथ ने बैकवर्ड स्कोर लेग की दिशा में छक्का जड़ दिया। नोबॉल होने की वजह से स्मिथ को फ्री हिट मिली। अगली गेंद लेकर आई पेरिस दिशा से भटक गई और उन्होंने लेग साइड में व्हाइट गेंद फेंकी। इस गेंद को विकेट कीपर भी नहीं पकड़ पाए और सिडनी सिकर्स के तोहफे के रूप में 5 रन और मिले। व्हाइट गेंद होने की वजह से फ्री हिट जारी रही और अगली गेंद पर स्मिथ ने लेग साइड में एक और चौका मिला। इस तरह पेरिस की एक लीगल गेंद पर सिडनी सिकर्स ने 16 रन बटोरे जिसमें स्मिथ के खाते में 10 रन आए। तो दोस्तों स्मिथ के बारे में आप लोग क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय दें। मिलते हैं इसी तरह नए अपडेट्स अगले वीडियो में। धन्यवाद।